हेलो गाइस, माय नेम इज़ अभय प्रताप सिंह गानिया। मैं यहाँ पे एक सेफ्टी ट्रेनर हूँ। ये जो लोकेशन आप देख रहे हैं ये है कुकरवाड़ा में भरूच, गुजरात का लोकेशन है ये। और ये जो काम चल रहा है बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट का काम चल रहा है गाइस, आप देख सकते हैं। ये जो भी बन रहा है ब्रिज है, ये टेम्प्रोरी ब्रिज बोलेंगे जिसे। अभी मैं यहाँ का पूरा वीडियो आपको दिखाने वाला हूँ, कहाँ पर क्या चल रहा है, कैसा काम चल रहा है। लेकिन ये जो प्रोजेक्ट है, मैं एक बार फिर रिपीट करता हूँ कि ये जो प्रोजेक्ट है, जो काम चल रहा है बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट का काम चल रहा है गाइस, जो इंडिया का पहला प्रोजेक्ट है बुलेट ट्रेन का, जो मुंबई से अहमदाबाद स्टार्ट हुआ है। और अभी हम हैं भरूच लोकेशन में, भरूच के जो एक गांव है कुकरवाड़ा, कुकरवाड़ा गाँव है। और ये जो नदी आप देख रहे हैं ये एक रिवर है, ये जो नदी है इसका नाम है नर्मदा नदी। और इसके बगल में ये जो इधर जाएंगे आप, जिधर ब्रिज आप दिख रहा होगा आपको, इस साइड में जो ब्रिज आपको दिख रहा है ये है ब्रिज, ब्रिज का तो नाम नहीं मालूम, लेकिन इधर जाएंगे तो आपका पड़ेगा दहेज। दहेज साइड में पड़ता है ये, और यहाँ से 40 किलोमीटर दूर ही समुंदर है। यहाँ पे क्या होता है गाइस, अभी आपको पानी कम दिख रहा है, लेकिन कभी कभी क्या होगा कि यहाँ पर बहुत से तेज़ हाई टाइड आता है, जिसे हाई टाइड लो टाइड चलता है, जिसमें पानी कभी चढ़ता है तो पानी कभी खींचेगा। तो जिसमें कभी कभी ये जो ब्रिज दिख रहा है ना गाइस, ब्रिज, ये ब्रिज क्या होगा, सब पूरा डूब जाता है। यहाँ से क्या होता है कि अलर्ट, सेफ्टी अलर्ट रखते हैं हम लोग। और इमरजेंसी प्रोसीजर में आप देख सकते हैं कि ये जो है, क्या बोलते हैं, लाइव बोया है, इसे लाइव बोया बोलते हैं। इसमें कनेक्टेड रस्सी है कि अगर बंदा कोई पानी में गिर जाता है तो हमें इसे क्या करते हैं, फेंकते हैं। इसे फेंक कर क्या करते हैं, उसे बचा सकते हैं। और जिसे तैरने आता है या नहीं आता, ये कि क्योंकि ये इसका जो लेंथ होता है समथिंग अराउंड ये 20 मीटर के आसपास इसकी जो रस्सी होती है, इसे पानी में फेंक के बंदे को बचाया जा सकता है रेस्क्यू के टाइम पे। ये कब होता है कि अगर कोई बंदा गिर गया, उसे तैरने नहीं आ रहा है या इमरजेंसी में कुछ उसको हेल्प चाहिए, तो ये हम फेंकते हैं पानी के अंदर। जैसा कि ये देख सकते हैं कि ये स्टेयर केस है, यहाँ से उतर के जाते हैं। यहाँ पर कभी कभी बोट भी आती है, जो दिख रहे होंगे सामने आपको, यहाँ पर बोट आती है। और यहाँ से कभी कभी उस साइड में जाना पड़ता है जो आपको दिख रहा होगा गाइस। यहाँ पर अभी ये कनेक्ट होगा आगे चल के, अभी इस पर काम जारी है। ये आपको बीच में खाली दिख रहा होगा, ये पूरा ब्रिज ही बनते हुए जाएगा। जैसे कि आप देख रहे हैं ये पिलर बन रहा है, अभी यहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम चालू है। मैं जूम कर रहा हूँ, देख सकते हैं जहाँ पे, देखिए वहाँ पे एक वर्कर्स है। यहाँ पे पीपीज का प्रॉपर यूज़ होता है, विदाउट पीपी के अंदर आप, सॉरी मैं क्या बोल रहा हूँ, बिना पीपी के आप इसमें एंटर नहीं कर सकते साइड पर। और यहाँ पर मशीनें देख रहे होंगे, क्रेन्स हैं जो सिंकिंग का काम करते हैं ज़्यादातर, कुछ सिंकिंग का काम है, कुछ क्रेन्स हैं जो उठाने, लिफ्टिंग का काम चल रहा है। और इधर मैं आपको दिखाता हूँ, ये है आपका, इसे गाइस बोलते हैं टेम्प्रेरी ब्रिज, टेम्प्रेरी एक्सेसिबल ब्रिज, जिसे बोलते हैं टैब, हम लोग शॉर्ट फॉर्म में यहाँ पे बोलते हैं टैब, बोलते हैं टैब, TAB, टेम्प्रेरी एक्सेसिबल ब्रिज बोलते हैं इसे। ये जो आपको दिख रहा है गोल गोल पिलर्स हैं, ये इसको भी सिंक किया जाता है, कम से कम अराउंड 40 मीटर एबव ही सिंक होता है। जहाँ तक मुझे मालूम है ये 60 मीटर के आसपास भी ये जो पिलर्स हैं वो जाते हैं। अभी ये पिलर्स कितने अंदर गए हैं ये नहीं मालूम है, लेकिन ये काफ़ी अंदर तक इसे रखा जाता है ताकि कोई हाई टाइड है या कोई लहर है बड़ी आती है तो ये उखड़ ना सके। लेकिन फिर भी गाइस, ये जो आप देख रहे हैं ना, ये ब्रिज, ये पिलर्स बोलते हैं। और कहीं पर इसका जो, अभी तो हम वेल बोलते हैं लेकिन पिलर नंबर भी बोलते हैं इसे। ये जो दिख रहा है आपको, यहाँ पर काम चल रहा है आपका, ये बोलेंगे इसे सेटरिंग का काम चल रहा है। इस पर गाइस कास्टिंग होगी, कंक्रीट का कास्टिंग होगा, जो आपको दिखेगा कुछ इस तरह, जो वाइट वाला पिलर दिख रहा है आपको, ये ऐसा पिलर आपको दिखेगा। ये जो है गाइस, यहाँ पे टेम्प्रेरी, क्या बोलते हैं इसे, मोबाइल टॉयलेट बोलते हैं यहाँ पे, जो बंदे यूज़ करते हैं इसको, कि कोई कुछ बंदे होते हैं नाइट में, तो क्या होता है सारे बंदे यहीं से खड़ा होकर रात में ही कर देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। हमने क्या कि बता रखा सबको कि मोबाइल टॉयलेट का यूज़ करना है काफ़ी, तो ये मोबाइल टॉयलेट है, इसको यूज़ करते हैं लोग। ये गाइस देख रहे हैं, इसे बोलते हैं मेन बॉकेट, इसमें बंदे को उठा के प्रॉपर सेफ्टी बेल्ट से कनेक्टेड रहता है, उसे फंसा, उसने गलती क्या किया, शायद फंसाया नहीं उसने, देखिए वो सेफ्टी बेल्ट को फंसाया नहीं है, कम से कम गलती यहाँ पे क्या किया कि उसको एंकर करके जाना चाहिए। जब चढ़ता है तब भी उसको होता क्या है कि कभी कभी
कोई बंदा अगर गिरता है नीचे, तो नीचे पूरा प्रॉपर अपना क्या है कि ये पूरा स्टील लगे हुए हैं, उस पर गिरता है तो बंदा जान भी जा सकती है बंदे की। तो कभी भी चढ़ते उतरते समय गाइज, अगर आप वर्कर हैं, अगर आप काम करते हैं हाइट पे, तो सेफ्टी बेल्ट का प्रॉपर यूज़ करें, क्योंकि यहाँ पे साइड से क्या होता है कि हाइट से पूरे दुनिया में आपको मालूम ही होगा कि सबसे ज़्यादा एक्सीडेंट होते हैं, ठीक है। हाँ, जो मैं बताने वाला था कि देखिए, ये जो आप देख रहे होंगे ब्लॉक्स है, ये ब्लॉक बोलते हैं, ये क्यूब ब्लॉक बोलते हैं, ये क्या होता है काउंटर वेट का काम करता है गाइस, जो जिसे आप देख रहे होंगे। कभी कभी क्या होता है, हमारे जो वेल होते हैं ना, जब हाई टाइड, मैंने जैसे बताया था, तेज़ से पानी जब इसका जब बढ़ता है, जब लहर आती है, तो कभी कभी ये टिल्ट हो जाता है। टिल्ट मतलब टेढ़ा हो जाता है, झुक जाता है एक साइड में, किसी साइड में। तो फिर क्या करता है, हम दूसरे साइड में क्या करते हैं, ये काउंटर वेट लगा के, इसे काउंटर वेट लगा के या किसी तरह करके हमें सीधा करना होता है, क्योंकि इस पर ब्रिज जो है ना बन नहीं पाएगा फिर अगर टेढ़ा होगा तो, और इसमें काफ़ी कंपनी का लॉस भी जा सकता है। लॉस क्या होता है, टाइम लॉस तो मेन होता है, कॉस्ट तो मायने रखता है, क्योंकि ये कंपनी जो है L&T कंपनी है, कोई छोटी मोटी कंपनी नहीं है। अभी लंच का टाइम हो गया गाइस, ये सारे वर्कर्स क्या है कि जा रहे हैं। यहाँ पे सारे इंजीनियर से विदाउट परमिशन आप कोई भी एक्टिविटी नहीं कर सकते हैं, यहाँ पे विदाउट परमिशन तो आप इंटर भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जो गेट का जो एंट्रेंस है ना, वहाँ पे आपको सिक्योरिटीज़ मिलेंगी जो आपका प्रॉपर एंट्री करती है। गाइस ये पानी की धाराएं देख सकते हैं, ये सेफ्टी वाला आ रहा है, ये बंदा केरला का, हाय बोलो, दिस इज़ द ब्लॉग ब्रो, हाय। और हमारे जो इंचार्ज है वहाँ पे बैठे, इंचार्ज जो है सारे कम्युनिकेट कर रहे हैं कैसे ईचेस को फॉलो करना है, कैसे नहीं करना है। हर क्रेन के साथ हेल्पर यहाँ पे होना अनिवार्य है, विदाउट हेल्पर कोई भी क्रेन एक्टिविटी नहीं काम करता है, कोई भी काम करना अलाउड नहीं है। और ये जो गाइस नीचे देख रहे हैं, ये हमारे वर्कर्स नहीं हैं, ये क्या है कि यहाँ के लोकल लोग हैं, मछली उछली मारने के चक्कर में यहाँ पे हैं, क्योंकि मछली पकड़ते हैं, ठीक है। गाइस वीडियो लंबा हो जाएगा, बस यही तक था यहाँ पे जो एक्टिविटी चल रहा है। बाकी जो कोई कन्फ्यूजन होता है, जो भी जानना चाहते हैं, जिस पर वीडियो चाहिए आपको, कमेंट कर सकते हैं, मैं उस पर वीडियो बनाऊँगा, ये बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट में, ठीक है। वीडियो देखने के लिए गाइस धन्यवाद।